आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास HF डिलक्स बाइक है और इसके अंदर चार्जिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जबकि मैंने पूरी गाड़ी को खोल दिया है। आप देख पा रहे हैं ये RR यूनिट जो हमारा पुराना वाला है, अभी इसमें नया लगाएंगे और उसके बाद हम इससे जो है आपको मीटर से नाप कर दिखाएंगे कि आखिर क्या फॉल्ट था, जो कि हमने इतना सब चीज़ किया, सारा वायरिंग वगैरह चेक किया, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख पा रहे हैं मैंने हेडलाइट भी खोला है, यानी कि टोटल पार्ट्स खोल के मैंने चेक किया है। उसके बाद फिर मैं आपको इसका मीटर से मतलब कनेक्ट करके यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कितना वोल्ट दिखाना चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट मार के फिर जो है इस मीटर से आपको नाप कर हम दिखाते हैं कि कितना इसको जो है कितना इसको देना चाहिए, इसके अंदर कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये जो हमारा है 20 लिखा हुआ, इसको मीटर को यहाँ पर रखना है वोल्ट पे, ठीक है, DC वोल्ट 20 पे। उसके बाद मैं अब स्टार्ट मार के आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट हो गया और अब हमें एक जो है ये वाला काला वाला में लगा देना, एक लाल वाले में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नापना है, देखिए अभी 9-10 दिखा रहे, ठीक है, और मैं थोड़ा सा रेस देकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, कभी 9-10 कभी 12 दिखा रहा है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 14 भी दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि ये रुक नहीं पा रहा है। रेस देने के बाद क्या होता है, ये जीरो भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा ये जो RR यूनिट जो है, ये वाला जो है हमारा ख़राब है। अब ये हम क्या करेंगे, नया लगाएंगे और फिर आपको यहाँ पर हम माप के दिखाते हैं कितना आता है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं नया लगाता हूँ, अब ये वाला जो है हमको चेंज करना है और अब हम यहाँ पर नया लगाएंगे, ठीक है, ये वाला हम इसको खोल देते हैं और चेंज करते हैं। तो अब हम इसको नया लगा रहे हैं, ठीक है, बस इसको यहाँ ऐड करो। अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, हमने नया लगा दिया है, यहाँ पर देखिए आप, ये 14 बता रहा है, 15 बता रहा है, ठीक है, और मैं अब प्लस रेस देकर आपको दिखाता हूँ। पकड़ कर आ गया दिल्लू, दोनों पकड़, दोनों सुया पकड़ कर, अभी देखिए एक्यूरेट जो है ये बताएगा 15, 14, 15, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी बैटरी जो है, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी और आप देखते हैं कितना सा डिस्चार्ज कर पा रही है। जी हम पहले इसको 2-3 मिनट स्टार्ट रखते हैं, बाइक को गर्म करते हैं, उसके बाद फिर बैटरी में देखते हैं कितना सा चार्ज आता है, क्योंकि चार्ज बिल्कुल इसका जो है डाउन कर गया। अब गाड़ी को हम बंद करते हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं। देख पा रहे कि इंडिकेटर हमारा यानी कि चार्ज हो गया और यहाँ पर इंडिकेटर देख पा रहे हैं बिल्कुल जल गया, ठीक है, यानी कि गाड़ी ये बता रही है गाड़ी मतलब चार्ज होने लगी, ठीक है। और अब हम सेल्फ मार के देख पा रहे हैं आवाज़ करने लगी, इसका मतलब थोड़ा बहुत ये चार्ज अब हो गया। और अब हम हॉर्न को डायरेक्ट बैटरी से बजा कर आपको दिखाते हैं, तो अब मैं आपको हॉर्न बजा के बैटरी से दिखाता हूँ। यानी कि हमारा जो है बैटरी जो है चार्ज हो गया और डायरेक्ट मैंने हॉर्न बजाया बज गया, तो अभी क्या हमारा स्विच से नहीं बज पा रहा है, यानी कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम है स्विच में, तो स्विच खोल के उसे भी सही करेंगे, तब आपको हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं।
अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है और आप आरआर मतलब यूनिट को नया भी लगाते हैं और काम अगर नहीं करता तो आपको क्या है इससे एक बार जो है नाप लेना है, यानी कि इसके अंदर जो है हमारा कम से कम 13, 14, 15, 16, 17 तक आना चाहिए मीटर में, ठीक है, तभी हमारा समझो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप नापना है इसके माध्यम से नाप लेना है, रपड़ काला वाला काला वाला को माइनस में लगाना है, इसको प्लस में लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हमारा बैटरी जो है ये सही बता रहा है, ठीक है, गाड़ी तो अभी बंद है, 11.36 यानी 12 वोल्ट का हमारा बैटरी है, ये जो होता है बैटरी 12 वोल्ट का होता है, तो अभी देखिए हमारा 11.36 बता रहा है, यानी कि अभी बैटरी फुल चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बैटरी हमारा ठीक है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए आपको जो है 20 वोल्ट पे लाना है और आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर ये हमारा यूनिट अगर ख़राब हो जाता है तो इसमें जो है आपको कभी भी 8, 9, 10 इससे ज़्यादा नहीं बताएगा, ठीक है। और जब हमारा ये आरआर यूनिट अगर सही रहता है तो 15, 16, 17 तक खींच लेता है, जैसे कि अभी इसमें न्यू लगा दिया तो अभी इसके अंदर 17 बता रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर 17 हमारा बताना चाहिए और बैटरी तब हमारा चार्ज होगा, ठीक है। इस तरीके से आप नाप के ही काम करना है। तो आप देख पा रहे हो मैंने कितना देर स्टार्ट किया बाइक को छोड़ा, उसके बाद जो हॉर्न वगैरह बिल्कुल टनाटन हो गए, गाड़ी बिल्कुल यानी कि फुल चार्ज हो गया बैटरी, 5 मिनट के अंदर ही काफ़ी चार्ज हो गए और हॉर्न बजने लगा, सेल्फ भी लेगी यानी कि हमारा बैटरी बिल्कुल कंप्लीट चार्ज करने लगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हॉर्न वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अब मैं पूरा कंप्लीट करके फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ।